नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में डाइस पढ़ेंगे। डाइस से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, ये जो आपका रीजनिंग डाइस है, डाइस ये आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डाइस के पूछे जाते हैं। और ये डाइस दोस्त बच्चों बहुत ही इजी है। इजी है डाइस जो क्या है, बहुत ही इजी है। और बहुत अच्छे मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इजीली समझाऊंगा कि कैसे आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका जब ये डाइस वाला क्लास खत्म हो जाएगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके प्रैक्टिस के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस से। डाइस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डाइस होती है ये आपकी 3 डायमेंशन आपकी क्या होती है, 3 डायमेंशनल आपका फिगर होता है। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इसलिए कि इसमें क्या होती है, आपकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल आपका फिगर बोलते हैं। 3 डायमेंशनल क्या है, ये आपकी फिगर है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस। वैसे डाइस आपका क्या होता है, दो डाइस को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो भाग हो जाता है वो हो जाता है आपका सामान्य डाइस। क्या हो जाता है, सामान्य डाइस यानी सामान्य पासा आपका हो जाता है। सामान्य पासे का जो रूल होता है, इसमें क्या होता है, जो संलग्न फलके होती हैं। अब देखिए, हम एक डाइस बनाते हैं, ये आपकी डाइस हम ऐसे बना रहे हैं। इसमें देखिए संलग्न फलके कौन सी होती हैं, ये देख लीजिए। ये जो आपकी लगी हुई, ये इससे इससे जो ये 2 फलके लगी हुई हैं, यही क्या होती हैं, संलग्न फलके। और किसी भी जो डाइस की जो आपकी सतह होती है या फलक होती है, उससे 4 लगी होती हैं क्या, फलके या सतहें। ऐसे अगर इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो किसी भी डाइस से क्या होती हैं, 4 सतहें लगी होती हैं। जैसे अगर हम ये बीच वाले से कह दें तो ये 1 2 3 4 चार लगी है ना, टोटल इसमें कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। कितनी, 6 सतह होती हैं। और जिसमें से क्या होती हैं, एक सतह से 4 सतहें लगी होती हैं। और जो विपरीत होती है, जैसे इसके सामने एक क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत सतह, वो इससे नहीं लगेगी। तो अब चलिए देखते हैं, संलग्न सतह भी आपको पता चल गया, हमने बता दिया। इसका नियम क्या होता है कि जो संलग्न सतहें होती हैं, संलग्न जो आपकी संलग्न सतह होती है, उनके जो अंकों का योग होता है वो क्या होता है, संलग्न सतहों का जो योग होता है वो क्या होता है, 7 होता है। संलग्न सतहों का योग जो होता है वो क्या होता है, आपका 7 होता है। यहां देख लीजिए कैसे, आप देखिए, ये हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे आपकी जो एक सतह हो गई, ये आपकी यहाँ 2 हो गई, ये 5 हो गई और ये मान लीजिए 6 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ये संलग्न सतह है, इसके अंकों का योग क्या हो गया, 7। जहां पे संलग्न सतह सतह के अंकों का योग 7 होता है, वो क्या होता है, आपका सामान्य पासा होता है। जैसे एक और आप ऐसे बना के देख लीजिए, एक ये आपका बन गया, यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इनका योग कितना हो गया, आपका 7 हो गया। तो ऐसे जो पासे होते हैं वो सामान्य पासे होते हैं। उसके बाद अब आप देखिए, एक आपका मानक पासा होता है। क्या होता है, मानक पासा, मानक पासा होता है। उसमें क्या होता है, जो संलग्न सतह होती है उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। यानी संलग्न संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, यानी संलग्न सतहों यानी 2 सतहों, संलग्न 2 सतहों का योग, ठीक है, सबका नहीं, संलग्न 2 सतहों का योग कभी भी आपका क्या होता है, कभी भी 7 नहीं होता, 7 नहीं होता है। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे, और यानी इसका मतलब जब संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, विपरीत सतह का योग आपका क्या होता है, 7 होता है। विपरीत सतह का योग आपका क्या होगा, ये 7 के इक्वल होगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, कैसे हम निर्धारित करेंगे कि ये आपका सामान्य पासा है या मानक पास
मानक पासा है ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम इसे बनाते हैं, आपका ये पासा बना लिए, देखिए जैसे ये पासा बना लिए, और इसमें हमें क्या करना है कि संलग्न सतहें, सतहों का योग क्या होना चाहिए, सात नहीं होना चाहिए, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, छह कर लीजिए। तो इन सतहों का देखिए, दो में छह जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आठ, सात नहीं है। दो में तीन जोड़ेंगे पांच, ये भी सात नहीं है। छह में तीन जोड़ेंगे नौ, ये भी सात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे आप एक दूसरा बना लीजिए, दूसरा बना के आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये आपका एक और पासा बन गया। आप निर्धारित करिए कि ये कैसे जानेंगे कि ये आपका सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो यहाँ पे आपका दे दिया गया एक, दो, तीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इनका योग कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इनका चार हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा, पांच। तो ये क्या हो गया, आपका मानक पासा हो गया। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, कैसे हम पता कर क्वेश्चन में कैसे हमें इसका यूज करना है ये देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं। इसकी पहली कंडीशन है आपकी, ये आपकी हो गई पहली कंडीशन। तो जो आपकी इसकी पहली कंडीशन है वो ये है कि जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी पासा एक दिया गया हो, तो उसकी विपरीत सतह पर स्थित अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, दो पासे बनाते हैं और उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक ये आपका पहला पासा हो गया, एक ये आपका हम दूसरा पासा बना रहे हैं, ये आपका हो गया दूसरा पासा। अब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे ये आपका दो दिया गया है, तीन दिया गया है, पांच दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है, छह दिया गया है, चार दिया गया है, पांच दिया गया है। अब ये आपका हो गया दूसरा पासा, आपको निकालना क्या है, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, तीन के विपरीत कौन सा होगा, और पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये निकालना है। दूसरे में आपको निकालना है कि छह के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपका पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा, और चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये करना होगा कि आपको चेक करना होगा कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो हमने मानक पासा के लिए आपको क्या बताया है कि जो संलग्न सतह हो उनका योग क्या नहीं होना चाहिए, दो संलग्न सतह का सात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इनका योग कितना हो रहा है, ये 10 हो रहा है, यहां से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यहां से कितना हो रहा है, 11। तो ये जो आपका पासा है कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, संलग्न सतह का योग कभी भी क्या होता है, सात नहीं होता। तो ये हो गया आपका मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसे देखेंगे तो ये संलग्न सतह हो गई और इसका योग कितना हो गया, सात। तो ये कितना हो गया, आप कौन सा पासा हो गया, ये हो गया आपका सामान्य पासा। कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, सबके विपरीत सतह का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर एक से देखेंगे, एक फिगर से देखेंगे कि अगर हमें दो के विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका अंक। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे तीन आपके दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, पांच दिख रहे हैं, तीन, ये तीन सतहें दिख रही हैं, इसके विपरीत अंक हमें निकालना है। और एक पासे पे कितना अंक अंकित होता है, तो पासे पर जो अंकित अंक होता है, पासे पर अंकित आपका अंक होता है, वो होता है कितना अंक, कितना अंकित होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है, यही तो होता है, छह हो गए। इसमें से आप कौन कौन से अंक दिए गए हैं, दो दिया गया है, तीन दिया गया है, और पांच दिया गया है, फिर बच कितना रहा है, आपका एक बच रहा है, चार बच रहा है, एक बच रहा है, चार बच रहा है, और छह बच रहा है। क्या बच रहा है, एक, चार और छह। तो यही जो अगर आपसे पूछा जाए दो के विपरीत अंक क्या होगा, दो के विपरीत क्या बच रहा है, एक बच रहा है, या तो फिर एक होगा, या तो फिर जो बचा हुआ अंक चार है, या तो छह होगा। सेम यही कंडीशन यहां आपके लिए तीन होगी, या तो एक होगा, या तो चार होगा, या तो क्या होगा, छह होगा। और सेम कंडीशन यहां पे होगी, या तो एक होगा, या तो चार होगा, या तो छह होगा, कोई एक अंक होगा। अगर यहाँ पे छह हो गया तो यहाँ हो सकता है चार हो जाए, और अगर यहाँ पे चार हो गया तो यहाँ इसके साथ एक हो सकता है। सामान्य पासे में ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई एक पासा दे दिया गया, मान लीजिए यही पासा दे दिया गया। अब आपसे पासे एक से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए कि दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक, विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करिए, विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात कीजिए। स्थित अंक क्या होगा या अंक ज्ञात कीजिए स्थित। तो अब देखिए ऑप्शन क्या आपको दे दिया गया कि आपका ऑप्शन दे दिया गया एक होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका दे दिया गया, ऑप्शन ए में एक, ऑप्शन बी में आपका क्या दे दिया गया चार दे दिया गया, ऑप्शन सी में आपका छह दे दिया गया और ऑप्शन डी में या तो एक या तो चार या तो छह। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सामान्य पासे का एक सिंपल सा रूल है कि क्या होता है जो संलग्न सतहें हैं अगर उनका योग सात हो जाता है किन्हीं दो संलग्न सतहों का तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। तब अब यहाँ पे जब हम इनके दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करेंगे तो हम ना एक निकालेंगे ना चार ना छह, हम ये कहेंगे कि तीन में से कोई एक अंक होगा, या तो वो एक हो सकता है या चार हो सकता है, ये छह हो सकता है। तो इतना समझ में आया। अब चलिए हम पासा दो के लिए देखते हैं। पासा दो में हमने क्या कहा है कि आपको बताया है कि मानक पासे में इनका योग कितना होता है, विपरीत सतहों का योग कितना होता है, सात होता है। तो ये देखिए ये संलग्न सतहें इनका योग सात तो हो नहीं रहा है, तो क्या होगा विपरीत सतहों का योग सात होगा क्योंकि फिर ये मानक पासा बन जाएगा। अब जब विपरीत सतह का योग होगा तो अब देखिए अगर हम कहें कि पांच के विपरीत सतह क्या होगी तो सात में से पांच माइनस करिए क्या आ जाएगा दो, अब सात में से छह माइनस करिए कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, और चार में से सात में से चार माइनस करिए कितना आ जाएगा तीन। तो यहाँ पे इनके विपरीत सतह का जो अंक होगा वो आसानी से निकल आएगा, यहाँ पे तीनों एक साथ नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग निकलेगा सबका। तो ये इतना समझ में आया। तो ये क्या होगा जब एक पासा दिया गया होगा तब आपको निकालना होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक मान लिया, एक हमने सामान्य पासा ले लिया, एक हमने आपका मानक पासा ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। अब चलिए जब दो पासा दिया गया हो तब वहां पे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो उसकी विपरीत सतह का अंक ज्ञात करना, इसमें तीन कंडीशन बनती है। इसमें जो पहली कंडीशन आपकी बनेगी कोई भी अंक मैच नहीं करेगा, यानी किसी भी सतह का कोई भी अंक मैच नहीं करेगा, कोई भी अंक आपका क्या होगा नहीं मैच करेगा आपका, यानी मिलेगा नहीं। और क्या बोलते हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी, कोई एक सतह मैच करेगी, क्या होगी कोई एक अंक क्या होगा मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा तीसरा, दो अंक मिलेंगे, क्या होंगे यानी दो सतहों के अंक मिलेंगे। तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई एक सतह का अंक मिलता है, क्या मिलता है कोई एक सतह का अंक मिलता है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं ये दो पासा, आपका पासा ये हो गया। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या अंक लिख लीजिए, दो लिख लीजिए, यहाँ पे तीन लिख लीजिए और यहाँ पे चार लिख लीजिए। यहाँ पे आप दूसरा बना लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे पांच लिख लीजिए, यहाँ पे छह लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप दो लिख लीजिए, ठीक है। तो एक मैं यूनिवर्सल अभी आपका नियम बताऊंगा कि कैसे इसको हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सतहें मिल यहाँ पे क्या हो गया, ये दो हो गया, यहाँ पे दो हो गया, यानी एक सतह क्या हो रही है मैच कर रही है, ठीक है, आपकी एक सतह मैच कर रही है, बाकी कोई भी सतह मैच नहीं कर रही है। तो इसमें अगर आपको निकालना हो क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि चार के विपरीत कौन सा अंक होगा, अगर आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि चार के विपरीत सतह आप ज्ञात करनी है, क्वेश्चन है चार की विपरीत सतह आपको ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, जब कोई एक सतह आपकी मिलती है तो आप क्या करिए क्लॉकवाइज राउंड कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या चले आइए, चार पे चले आइए, चार से क्या चले जाइए तीन पे चले जाइए, फिर तीन से दो पे। अब देखिए यहां से भी आप दो से क्या करिए,
छह पे चले जाइए और छह से किस पे, पांच पे, क्लॉकवाइज घूमिएगा, जैसे इसमें घूमिएगा ऐसे इसमें ही घूमिएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, दो लिखिएगा, दो के बाद क्या आ रहा है, चार आ रहा है, चार के बाद कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए दो लिखिएगा, दो के बाद आपका कितना आ रहा है, छह आ रहा है, और छह के बाद कितना आ रहा है आपका, पांच आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चार के बाद छह आ जाएगा, तीन के विपरीत सतह पे क्या आ जाएगा, पांच, और चार के विपरीत सतह पे छह, एक अंक आपका बच रहा है, वो अंक क्या है, एक है। तो दो के विपरीत सतह पे क्या होगा, एक अंक होगा, यानी दो के विपरीत सतह पर कितना अंक होगा, एक। तो चार के विपरीत सतह पर स्थित अंक का मान कितना होगा, वो क्या होगी, छह की, यानी चार के विपरीत सतह पर जो स्थित अंक होगा वो क्या होगा, छह होगा। अगर पूछता तीन के विपरीत सतह पर तो पांच होता, या पांच के विपरीत सतह पर तो तीन होता, या कहता दो के विपरीत सतह पर तो एक होता, एक के विपरीत सतह पर क्या होता, दो होता। अब चलिए इसकी हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। हम कह रहे हैं कि अगर इसमें क्या होता कि आपकी कोई दो सतह मैच करती, कोई दो सतह आपकी मैच करती, दो सतह में, चलिए ये देख लेते हैं आपका कैसे दो सतह में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ पे चार हो गया। अब हम इसे करते हैं ऐसे, ये बना लिए। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे चार हो गया, यहाँ पे पांच हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हम पूछे कि तीन के विपरीत सतह पर स्थित अंक क्या होगा, तो देखिए जब दो सतहें मैच करती हैं, ये दो सतह, ये दो से दो और ये चार से चार मैच कर रही हैं, तो जो तीन के विपरीत अंक होगा वो क्या होगा, पांच हो जाएगा, या पांच के विपरीत कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब देखिए इसको कभी कभी क्या होता है कि कोई सिंबल भी बना के दिखाया जाता है। मान लीजिए हम सिंबल से अगर इसे क्वेश्चन करना चाहें, सिंबल जब दिया रहे, तो अब देखिए ये ऐसे है, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, और ये आपका एक ऐसे बना है, और यहाँ पे क्या है आपका वृत्त है, यहाँ पे क्या है त्रिभुज है, और यहाँ पे वर्ग है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आप मान लीजिए त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे किसका साइन हो गया, ऐसे इक्वल का साइन, हैच का साइन हो गया। तब आप क्या करेंगे, देखिए दो सतह मिल रही है ना आपकी, एक वृत्त की मिल रही है वृत्त से, और दूसरी किसकी मिल रही है, त्रिभुज से, त्रिभुज से। तो ये जो हैच की सतह होगी ये किससे मिल जाएगी, आपकी वर्ग से मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तीसरी कंडीशन अभी जो हमने बताया था कि आपका कोई भी सतह मैच ना करे, तीसरी कंडीशन में अभी हमने आपको बताया था कि आपकी कोई भी सतह मैच ना करे। मान लीजिए ये आपका अंक हो गया ऐसे, एक दो तीन, और उसके बाद यहां पे कितना हो गया आपका, चार पांच छह। अब इसकी कोई भी सतह मैच नहीं कर रही है, तब आप क्या करेंगे, अगर पूछा जाए चार के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे, तो चार के विपरीत कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। बाहर के विपरीत क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और अंदर के विपरीत का अंक क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है। यानी एक के विपरीत चार हो जाएगा, दो के विपरीत छह हो जाएगा, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो ये आप ऐसे निकालेंगे। अब ये वो कंडीशन हो गई जब आपके दो पासे की दिए हो और उनकी स्थितियां दी गई हो, तब विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे जब तीन पासे दिए गए हो तब कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब पासे की तीन स्थितियां दी गई हो तो उसकी विपरीत सतह पर स्थित अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम दो आपके एग्जाम्पल लिए हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, यहाँ पे तीन पासा दिया गया है, दूसरे में भी तीन पासा दिया गया है। तो पहले का क्वेश्चन है कि दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करना है, यहाँ पे साइन दिया गया है, तो यहाँ क्या कह रहा है, माइनस के विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करना है, तो या स्थित चिन्ह ज्ञात करना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले में क्या निकालना है, दो के विपरीत सतह पर, तो यहाँ पे तीन आपके डाइस दिए गए हैं, पहले में क्या है एक दो तीन, और दूसरे में क्या है चार पांच छह, और तीसरे में क्या है चार पांच दो।
तो अब इसे कैसे आप निकालेंगे? सबसे पहले अगर आपसे पूछा होता, इसको ध्यान दीजिए, दो के विपरीत कह रहा है, तो दो एक यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, और दो एक यहाँ पे है, तो इसके विपरीत हमें अंक निकालना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए देखिए, ये कामन है ना दोनों में, ये सतह आपकी कामन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार दो लिखेंगे, अब दो क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे तीन आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया, यानी तीन और एक। फिर अब हम इससे लेते हैं, तीसरे वाले डाई से, तीसरे वाले डाई से दो के विपरीत क्या आएगा, यानी दो से जब पहले चलेंगे कितना आएगा, पांच आएगा, उसके बाद कितना आएगा आपका, चार आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका तीन के विपरीत क्या हो गया, पांच हो गया, एक के विपरीत चार हो गया, एक अंक बचा है, क्या कौन सा अंक बचा है, छह, छह आपका बचा है ना, तो दो के विपरीत कितना हो जाएगा आपका, दो के विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा गया है कि दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, छह हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता, ये तो आप इस तरीके से निकाल लिए दो के विपरीत सतह पर, ये आप क्या किए, पहली कंडीशन ये मान लीजिए, इससे आप निकालिए पहले से, और दूसरा अगर आपको आसान बनाना है तब कैसे करेंगे, तो अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इसको तो आप क्या सॉल्व किए, इससे इससे किए, अब आपको ज्यादा लंबा नहीं प्रोसेस करना है, तो क्या करिए, दो सतह मेल कर रही है ना, इसमें एक आपकी ये हो गई चार और पांच, यहाँ पे क्या हो गई चार और पांच, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, छह। यानी ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुरंत सॉल्व हो जाता, तो आप दोनों स्थितियों में देख लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए दूसरा हम कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस के विपरीत सतह पर स्थित अंक। तो पहले में क्या है, पहले जब आप डाइस देखेंगे तो यहाँ वृत्त हो गया, और क्या हो गया, गुणा का साइन हो गया, माइनस का हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का हो गया, हैश हो गया, प्लस का साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, डिवाइड का साइन हो गया, वृत्त हो गया। अब क्या करना है, माइनस में निकालना है, तो देखिए इसमें कहीं आपका मिल रहा है, माइनस यहाँ नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं, यहाँ इन दोनों जगह क्या है, माइनस है, तो सेम हम वही प्रोसेस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेम वही हम प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये क्या है, गोले का साइन, यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे क्या है, गोले का साइन, तो एक ही सतह बच रही है ना, ये इसके क्या हो जाएगी, आपके विपरीत हो जाएगी, यानी माइनस की जो विपरीत सतह होगी उस पे कौन सा साइन होगा, तो उस पे कौन सा साइन होगा आपका, आ रहा है डिवाइड का साइन हो जाएगा, किसका साइन हो जाएगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, अगर चार सतहें दी गई हो तो उससे कैसे क्वेश्चन करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब पासे की चार स्थितियां दी गई हों तब हम कैसे वहां पे विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ए आपका पासा है, इसमें जो इसकी सतह पर अंक स्थित है वो एक है, चार है, पांच है, उसी प्रकार आपके बी सतह पर स्थित अंक कौन से हैं, बी पासे के दो हैं, पांच हैं, चार हैं, सी की सतह पर तीन एक छह हैं, और डी की सतह पर दो तीन पांच हैं। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इन्हीं पासों को देख के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन है, स्थिति बी की नीचे, स्थिति बी यानी पासा बी की निचली सतह पर स्थित अंक आपको ज्ञात करना है, यानी पासा बी की निचली सतह, निचली सतह दो के क्या हो जाएगी, दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, ए और बी पासा हम चुनते हैं, इन सब पासों को पहले देखते हैं। तो देखिए, ए और बी में हम देखते हैं, तो इसकी एक दो, इसकी एक और दो, दो सतहें एक दूसरे की क्या है, समान है ना। देखिए, चार इसके समान है और पांच क्या है, इसके समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक सतह शेष बचती है उसके अंक एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, यानी दो के विपरीत अंक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी दो के विपरीत सतह पर स्थित, यानी पासे बी की निचली सतह पर स्थित अंक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी सतह इसकी दो है और दो के विपरीत सतह पर स्थित अंक क्या होगा, एक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, तीन के विपरीत सतह पर स्थित अंक ज्ञात कीजिए। तीन के विपरीत सतह पर, या यहाँ पे तीन दिया गया है, यहाँ पे तीन दिया गया है, तो इसके विपरीत सतह पर स्थित अंक आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए,
पासा सी की या डी की, कहीं दो सतहें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे कितना है आपका बी, और हम डी देखते हैं, बी और डी देखेंगे तो देखिए आपका क्या हो रहा है, पांच पांच के साथ मिल रहा है, और आपका उसके बाद दो क्या मिल रहा है, दो के साथ मिल रहा है। यानी अगर हम पासा बी और डी को देखते हैं, पासा हम किसको देखते हैं, बी और डी को देखते हैं, तो एक स्थिति आपकी क्या हो गई, पांच इसके साथ मिल रहा है, दो आपका किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है, तो तीन किसके साथ मिलेगा, तीन आपका किसके साथ मिलेगा, चार के साथ। यानी तीन की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी आपकी, चार होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। तीन के विपरीत सतह पर स्थित अंग क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? देखिए इसमें करना क्या है कि आप देख लीजिए, दो अगर सतह कॉमन हो रही है तो तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक कंडीशन और कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दो को सॉल्व करने के लिए हम दूसरी कंडीशन क्या ले लेते हैं, पासा सी और डी ले लेते हैं। पासा सी में देखिए एक सतह कॉमन है, क्या है, तीन, और तीन कॉमन है, तो हम सबसे पहले सी में देखते हैं। सी में देखिए तीन तीन से जब चलिए तो क्या आएगा, एक आएगा, एक के बाद क्या आएगा, छह आएगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसमें पासा डी में जब आप पासा डी में चलेंगे तो तीन के विपरीत क्या आएगा, पांच आएगा। यानी तीन से संलग्न सतह कितनी है, पांच है, और पांच के बाद क्या आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा। यानी एक के विपरीत पांच हो जाएगा, छह के विपरीत क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक अंक बच रहा है। इसमें से देखिए तीन हो गया, एक हो गया, छह हो गया, पांच हो गया, दो हो गया, तो एक अंक बच रहा है ना, क्योंकि एक सतह पर पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, ये अंक अंकित होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन से अंक आपके दिए गए हैं, एक दिया गया है, पांच दिया गया है, छह दिया गया है, तीन दिया गया है, और कौन सा आपका दिया गया है, दो, बचा क्या, चार। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, आपकी सतह कितनी हो जाएगी, चार। तीन के विपरीत सतह पर स्थित अंक क्या हो जाएगा, चार। आप सी और डी पासे से निकाल सकते हैं, हमने क्या कर दिया था, बी और डी पासा लिया था। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये देखिए तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए आप सॉल्व करिए कि क्या कह रहा है, स्थिति सी यानी पासा सी की निचली सतह पर स्थित अंक ज्ञात करना है। पासा सी की निचली सतह, तो पासा सी की ऊपरी सतह क्या है, तीन है, तो तीन की निचली सतह पर स्थित अंक क्या होगा, अभी आपने ज्ञात किया है, तीन की निचली सतह पर स्थित अंक क्या होगा आपका, चार होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। ये आ रहा है आपको समझ में? अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है 18/11/2021 एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था 2021 में 18 नवंबर को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रोमन अंक में ये लिखे हैं, एक दो तीन चार पांच छह संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे के, क्या है, एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या चार, इसका मतलब क्या होता है, चार होता है, यानी संख्या चार के विपरीत फलक पर स्थित है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पासा दो दिया गया है, इस पासे में हमें क्या बताना है, चार के विपरीत, क्या बताना है, चार के विपरीत, चार के विपरीत हमें बताना है, कौन सा चार, इसके विपरीत, इसके विपरीत कौन सी फलक होगी, वो इसके विपरीत फलक पर स्थित अंक कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपका पासा है पहला, इसमें क्या है, एक है, तीन है, चार है, और दूसरे वाले में क्या है, एक है, तीन है, और क्या है, छह है। तो यहाँ पे देखिए आपकी दो दो सतहें इक्वल हैं, एक ये सतह इक्वल हो गई इसके साथ, दूसरी ये तीन वाली सतह इसके साथ इक्वल हो गई, तो जो चार के विपरीत सतह होगी वो क्या हो जाएगी, छह हो जाएगी। चार के विपरीत सतह पर स्थित अंक क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। यानी ऑप्शन सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बस दो सेकेंड का प्रश्न, आपने प्रश्न देखा, तुरंत आपने देखा दो सतहें कॉमन हो गई, तो तीसरी सतह अपने आप
क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। यहाँ पे भी क्या कहा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके छह पृष्ठों पर एक से लेकर छह तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करना है जो छह के विपरीत पृष्ठ पर स्थित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है 1 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि क्या करना है, छह के विपरीत हमें निकालना है, ठीक है, छह के विपरीत हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दो पासों में कौन सी आपकी सतह इक्वल है। यहाँ पे कोई सतह इक्वल है? जी हाँ, यहाँ पे क्या है आपकी पांच जो सतह है ये दोनों में इक्वल है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले से पांच सतह को ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या चलते हैं, तीन पे, और तीन से क्या करते हैं क्लॉकवाइज दो पे चलते हैं। तो एक हो गया तीन, फिर हो गया दो। दूसरी स्थिति में यही देखते हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एक पे जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे, चार पे जाएंगे। एक हो गया, चार हो गया, यहाँ पे कहीं छह नंबर की सतह आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका तीन के विपरीत एक आ गया, दो के विपरीत चार आ गया, तो एक ही सतह बच रही है, वो छह। तो वो छह क्या हो जाएगा, आपका पांच के विपरीत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, पांच की विपरीत सतह क्या हो जाएगी आपकी, छह। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था। देखिए, जो नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और कोई एक सतह अगर कामन हो और जो नंबर दिखाई ना दे रहा हो उसके बारे में पूछा जा रहा हो, तो जो सतह कामन होगी उसी के वो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अगर एक सतह आपकी कामन है तो। यानी तुरंत आप इसे देख के तुरंत आंसर लगा देते। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, दो तीन पांच हो गया, एक चार पांच हो गया। अब पूछ क्या रहा, छह के विपरीत, तो एक ही सतह कामन है ना पांच, तो छह के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच, तुरंत आंसर हो गया। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके छह फलकों पर एक से छह तक के अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक तीन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 6 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी का है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब आपके किसके हैं, एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, ये सब सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं। आपका जो पहला पासा है इस पे एक तीन चार है, दूसरा पासा है पांच एक चार है, और तीसरा है जो आपका तीन दो छह है। हमें निकालना किसका है, तीन के विपरीत, यानी हम क्या तीन के विपरीत निकालना है। तो अब देखिए इसमें कैसे आप निकालेंगे, तो अब आप तीनों पासों को पहले देख लीजिए, कोई दो कामन हो रहा है तो देखिए आप पहला और दूसरा इन दो पासों में देखिए, एक आपका यहाँ पे चार है, एक है यहाँ पे चार है, एक है, यानी दो स्थिति आपकी क्या हो गई, कामन हो गई, दो स्थिति आपकी कामन हो गई। तो क्या हो जाएगा, तीसरी फलक अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो तीन के विपरीत क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे पांच आ जाएगा, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। पहले और दूसरे पासे से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, चार, ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अक्षर ए बी सी डी ई एफ से अंकित एक पासे दिया गया है, इसकी दो अलग अलग स्थितियां हैं। उस अक्षर का चयन करना है जो ए अक्षर वाले फलक के विपरीत है, यानी ए के विपरीत कौन सी फलक होगी हमें ये निकालना है, उस फलक पर स्थित कौन सा अक्षर होगा हमें ये निकालना है। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है 7 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी में। अब देखिए दोनों पासे में देखिए कोई एक आपकी फलक कामन है, तो हाँ दोनों में कौन सी फलक कामन है, ई वाली दोनों में कामन है, तो हम ई से निकालते हैं, ई कामन है। तो पहली फलक में ई से हम अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो किस पे जाएंगे, डी से, और डी पे किस, डी से कहां जाएंगे, ए पे, तो यहाँ हो गई डी और यहाँ पे क्या हो गई, ई। अब दूसरे से हम देखिए ई पे कहां से जाएंगे, बी पे जाएंगे, ई के बाद कहां पे जाएंगे, क्लॉकवाइज बी पे जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गई आपकी बी, और उसके बाद कहां पे जाएंगे, एफ पे जाएंगे, एफ हो गया। हमें निकालना किसका है, ए के विपरीत, तो डी के विपरीत क्या हो गया बी, और ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, यानी ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा।
तो ये आपके सारे क्वेश्चन रहे हैं आपके एग्जाम में, ये पास एक तो ये जो अभी हम क्वेश्चन सारा करा रहे हैं ये आपका कौन सा पासा है, क्लोज्ड पासा है। कौन सा पासा? क्लोज्ड यानी बंद पासे से, यानी बंद पासे से अभी आप क्वेश्चन किए। अब इसके बाद अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खुले पासे यानी ओपन डाइस से क्वेश्चन करेंगे, ओपन डाइस से क्वेश्चन करेंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ओपन डाइस आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अपनी अपनी अगली क्लास में ओपन डाइस से क्वेश्चन करेंगे और बहुत आसानी से आप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।